चुनाव की चर्चा अगर कहीं होती है तो वह ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे तो शहरी क्षेत्र में भी चुनाव की चर्चा होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं अधिक चुनाव की ही चर्चा होती है। चुनाव आते ही चौक चौराहों से लेकर खेत खलिहान तक चुनावी चर्चा होती है। हार जीत के एवं किसे वोट देना है, कौन पार्टी कार्य किया, कौन नेता कार्य किया, किसका चुनाव होना चाहिए, सभी इसी बात पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहे पर चाय की दुकान पर चुस्की चाय की चुस्की लेते और लोग आपस में बैठकर इसकी चर्चा करते हैं। मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ, यह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी पंचायत सिसो पूर्वी पंचायत क्षेत्र का है, वहीं इस कई इलाकों का है। इस संबंध में कई बुजुर्ग मतदाता एवं युवा मतदाताओं से जब हमारी बात हुई तो इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि सड़क नदी के किनारे हम लोग रहते हैं, हम लोगों को कभी भी कटाव का डर बना हुआ रहता है, कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन इस पर किसी प्रकार का स्थायी निदान नहीं हो पाया। वहीं कई लोग ना है, आइए सुनाते हैं इस संबंध में कई मतदाताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से दी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हाँ, बस का पानी निकास नहीं होता है, हम लोग का नदी नवा नहीं है। जाते हैं हाँ, हम लोग का एक तो बरखा था तो घर समय पानी गुजर। कितने सालों से समस्या है ये? समस्या तो मुझे कि कितना साल से है, 200 साल से है। अभी तक कोई इसका समस्या कोई समय किया नहीं है, नहीं हुआ है, कोई नहीं आता है? नहीं जी, नहीं आता है, जाता है, देख लिया चला गया, देख लिया चला गया। हाँ करेंगे, करते करते अभी तक ही दशा है। ठीक है ठीक है, क्या होगा, क्या मुद्दा पर आप लोग वोटिंग करेंगे? मुद्दा वही है कि केंद्र में जो सरकार है बीजेपी वही होगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब केंद्र में जिसकी सरकार है वोट उसी को डालेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, विकास की अगर चर्चा करें तो विकास या कुछ जो सरकार से तरफ से फायदा मिलना चाहिए उस संबंध में क्या कहना है आपका? विकास जो है ना, वो तो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है, केंद्र से जो आ रहा है वो तो बीजेपी है, बीजेपी तो लेकिन इस बार नीतीश कुमार को बदलना पड़ेगा क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का तो केंद्र का है। हाँ, और जब विधानसभा होगा तब नीतीश को बदलना है। माने लोकसभा में अभी जो सरकार है उसी को वोट डालेंगे और जब विधानसभा चुनाव आएगा तब बदलाव करेंगे आप? चलिए, बार जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दा लेके आप जाइएगा वोट डालने के लिए, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा है कि हम लोग तो हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, समझे ना, हम लोग का मुद्दा यही है। क्या लग रहा है कि तो बहुत विकास किया है, इतना साल जो है सो कांग्रेस सब थे मगर वो इतना काम नहीं किए, जो इतना काम मोदी सरकार जो किए, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किए। अब बेसरते हम लोग का पंचायत में मुखिया के अंडर में है ना, हम लोग को कुछ नहीं मिला इससे, लेकिन और सबको तो मिला है ना। अब बहुत कुछ सोचे हैं, 1 लाख से 5 लाख तक का करने का है। हाँ वो तो है ही। अच्छा, क्या कुछ मिला आपको अभी तक? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से है, आज ना कल मिलेगा ही। अच्छा, भरोसा रखते हैं, यही है। मैंने ईमानदारी अभी भी है। हाँ। और जो विकास करेगा वोट आप उसी को डालेंगे? उसी को डालेंगे। अच्छा, ये हाँ। कौन सा जगह है? हाँ, ये जगह है वासुदेवपुर का जगह है, कोठिया जगह। अच्छा, वोट डालबे ना? वोट डालबे करो, सरकार के वोट है, एगो वोट के मालिक से देवे करो। अच्छा, तो कुछ सोचले हो भाई ना कि सरकार विकास किया या कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं सोचिए, कुछ नहीं तो सीधे जाओ वोट डाल देवे, जे जीतले तकरे दिलिए, जे जीता। अच्छा चलो, कौन सा जगह चाहिए? कोठिया ये हम लोग का ही करकौली टोला बोलता है, पूर्वी पंचायत है, हम लोग सिसो पूर्वी। हम लोग बहुत मतलब जो प्रयास किया, जब से मतलब जो अधिकार सरकार हुआ है, अधिकार नीतीश का सरकार हुआ है, हम लोग का कोई विकास नहीं मतलब जो हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। अब देखिए अब अगले बार अब क्या होगा नहीं होगा, हम लोग तो वोट हम लोग देते आए हैं भाजपा का। अरे कुछ सोच के जाते हैं मतदान केंद्र पर फलाने भाजपा को हम लोग देकर आते हैं, वोट डालते हैं हम लोग वोट, लेकिन मतलब जो कोई सोचना हम लोग का नहीं मिलता है। डालेंगे क्या आपका मुद्दा? वोट तो डालेंगे ही, लेकिन यहाँ कोई अति नहीं ले रहा है एक्शन कोई चीज का। क्या जैसे रोड बना हुआ है,
टेंडर पास है लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है मेरे इधर। जाम इतना लग जाता है इधर, एक गाड़ी दूसरा गाड़ी नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं कि रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। वोट तो डालेगा भाजपा, वोट डालेगा। अच्छा, मतदान जो है सो हम लोग भाजपा का ही करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। जो हमेशा जो है सो हम लोग जो है चर्चा रखते हैं कि हमारे गांव का रोड जो है चौड़ा हो, और हम लोग को पानी गिराने का दिक्कत होता है जो है सो, रोड में नाला भी नहीं बन रहा है रोड के कारण जो है, लेकिन यही हमारे लोग को समस्या है और यही काम होना चाहिए हमारे गांव में। तो इस बार सुशील से पूर्वी करकौली पंचायत में। अच्छा, क्या मुद्दा क्या है आप लोग को? मुद्दा जो है सो विकास की अगर बात करें, यही रोड और नाला चाहिए हम लोग को जो है सो। रोड नाला चाहिए, रोड नाला चाहिए। सिंगल गाड़ी जो है तो मतलब जाती है, डबल गाड़ी आता है फंस जाता है, रोड जाम हो जाती है। कौन सा जगह है ये? करकौली। देखिए, सीसो पूर्वी पंचायत है सर, टोला करकौली है। तो यहाँ कोई मुद्दा हम लोग नहीं देख रहे हैं। जो भी जाते हैं तो हम लोग का तो यही जैसे आज जीना है कल भी जिए वही तरीका से जीना है। तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं, और जिनको वोट करके आया है उन्हीं को करेंगे। विकास की अगर बात करें तो विकास इस क्षेत्र में हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ। जी विकास उतना नहीं हो करके तनी मनी हुआ है जो आज का विकास जो है। देखिए, हम लोग का नदी का सटल घर है, आई गांव जो है नदी का सटल है। कुछ जो है जल मंत्री कुछ दिन पहले आए हुए थे तो नाप उप करके ले गए नदी को कि चलिए इसमें कुछ बनाया जाए जो टोला करकौली टोला बच जाए बाढ़ पीड़ित से। नदी बहुत कटाव कर रहा है, बहुत आदमी का घर सब कट गया, सब जाएगा कहाँ? गरीब आदमी है, भूमिहीन है। भूमिहीन है सर जी, यही सब बात है। तो मैंने इस पर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आपको वोट डालना है जी। है मुद्दा मतलब कि देखिए, अब हम लोग का मजबूरी है, इसीलिए मजबूरी है सर, जो वोट वहीं जा कर के देना। चल ठीक, वोट डाल चुके हैं लगभग सर जो है से मान के चले पच वर्षा में होते 10-12 बार तक डाल चुके हैं। डाल चुके हैं जी। तो पहले जो वोट करते थे और अभी जो वोट करेंगे तो क्या आपका क्या इस बार रहेगा मुद्दा और क्या सोच के जाएंगे मतदान करने के सर, लिए? सर हमारे क्षेत्र में हमारे पूर्वी पंचायत सीसो सबसे अधिक वोट जो है से भाजपा के ही है, कई बार पहले से ही उसी को वोट ज्यादा होने जा रहा है। विकास की अगर बात करें तो क्या कुछ आपको विकास के लिए सर अधूरा हमारे इधर हुआ है, अधूरा बचा हुआ है। है तो बहुत काम लेकिन अधूरा हुआ है, अधूरा बचा हुआ है। तो माने विकास पर आप लोग वोट डालेंगे जी? सरकार किसी की भी हो? किसी की हो नहीं सर, कैसे किसी को हो जाएगा? हम खोल करके कहते हैं कि भाजपा ही भाजपा होगा। डाले जाएंगे, आप युवा हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है कि कैसे आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो होना चाहिए काम के डेवलप विकास के मुद्दे पे ही होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लोकसभा बिहार के लिए, अदर स्टेट के लिए ठीक ठाक है, बट बिहार के लिए लोकसभा में कुछ कर नहीं पाए हैं 10 साल में मोदी जी। अच्छा, बाकी बट ऑप्शन भी नहीं है आदमी के पास, मतलब किसके पास जाए, बात वही हो जाता है। तो इसी के कारण जो है सो आप युवा हैं, बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे। आप युवा हैं, आप रोजगार की बात करेंगे तो जो रोजगार की संभावना बिहार में है तो क्या आपको दिखता है कि कैसे? अपॉर्चुनिटी तो बीजेपी वाले ही देंगे, अब बाकी रोजगार के माध्यम से और बाकी जॉब के माध्यम से तो कांग्रेस वाले, उसके दोनों पक्ष में बट चुका है ये। माने जॉब देगा कांग्रेस और बाकी जो है सो उद्यमी जो होता है एंटरप्रेन्योर वो देने वाले हैं बीजेपी। बीजेपी पूंजीवाद व्यवस्था पे चल रहे हैं और ये चल रहे हैं क्या बोलते हैं साम्यवाद व्यवस्था पे। है ही बिल्कुल है, पूरा नेशनलाइजेशन यही चाहिए रहा है, पूंजीवाद और साम्यवाद। आपका कुछ डिमांड होगा क्योंकि आप युवा हैं? हाँ, डिमांड यही है, अच्छा है, पूंजीवाद से ही देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, साम्यवाद से भी व्यवस्था बढ़ सकता है, लेकिन साम्यवाद में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाद में भ्रष्टाचारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रोजगार तो चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार तो सबको ही चाहिए। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार।